यार ये ना सबसे सस्ते होटल्स हैं यहाँ पे। उर्दू मालूम? उर्दू, इंग्लिश, फारसी, ओके, की को यहाँ से उठाइए, आपकी कमरे की सारी लाइट्स बंद। ओ यार दैट्स ग्रेट यार, फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। ये ना सब्जी की दुकान है, यहाँ पे ये वेजिटेबल्स पड़ी हैं, शॉपर निकालना होता है। और यार अभी ना बहुत गहरी नींद आ रही थी, और अभी भाई बता रहे मस्जिद मस्जिद चलो मस्जिद 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 अभी सुबह के 4:30 का टाइम है, और ये मस्जिद का टर्मिनल है यहाँ पे अभी हम पहुँच चुके हैं। यहाँ से हमने टैक्सी लेके ना होटल कोई तलाश करना है। वो कह रहा है 50 लाख रुपया लूंगा और 50,000 लूंगा, एक बंदे को छोड़ूंगा वहां पर। मैं कह रहा हूँ कि 10,000 तो मान दूंगा, और मैं उधर ना आपको यहाँ से कोई मेट्रो वेट्रो नहीं जाती क्या है? मेट्रो जाती है? नहीं मेट्रो उधर तो नहीं जाती यार। नहीं हम आउटसाइड पे जाएंगे ना, बस वगैरह एक एक बाइक लेंगे, वो हमें उधर छोड़ आएगा। दैट्स कूल ना, क्योंकि ये पहले से यहाँ से हो के गया तो इसको पता है सारी सिचुएशन का। नफर चार खोल कुल नफर 40 है गुड। यार ये सामने ना द हॉली शरीन हज़रत इमाम रज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और अबे मेरा बैग नीचे पटक दिया यार। खूबसूरत जगह है, काफ़ी ओल्ड कंस्ट्रक्शन है। अभी तो कुछ नहीं है भाई, थोड़ा सा दिन होने दो, आपकी आंखें खुल जाएंगी। अभी हमने कितना आगे जाना है? बस थोड़ा सा। यार ये आग जला के ये क्या, मतलब मैंने माउंट भी देखा था, ये लोग ना मांगते हैं, फकीर लोग ये ऐसे मांगते हैं। वो ना उसके धुआं देते हैं ऐसे, तो वो जो अपनी खुशी से दे दे तो वो ले लेते हैं। यार ये ना जब हम वहाँ पे गाड़ी में थे तो बाहर मैंने एक लेडी को भी देखा, वो भी ऐसे 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 धुआं जो है ना रोड पे कर रही थी, लोग वहाँ पे रुक रहे थे और अपनी गाड़ी से कुछ पैसे दे रहे थे। यार ये ना सबसे सस्ते होटल्स हैं यहाँ पे, तुमने ये ना कहो कि यहाँ पर महंगे होंगे। आपने पहले पता किया था? यार हम इधर ही रह के गए थे। अच्छा, ये बाबे जवाद की बात हो रही है जी। बाबे जवाद के बिल्कुल सामने यहाँ पे इस गली में इन भाई लोगों ने कोई होटल ढूंढा था, वही दोबारा चेक इन करने जा रहे हैं। यार अभी गेट पे आए, ये महमा नापजीर बासियत ये इस तरह के नाम का कोई होटल है, तो अभी ना खटखटा रहे हैं लेकिन अंदर से कोई निकल नहीं रहा, तो लगता है ये बंद हो गया, कोई हॉट ढूंढना पड़ेगा। ओके कुछ यार इंग्लिश बिल्कुल नहीं उनको आती, उनकी फारसी हमें समझ नहीं आती, इशारों से पता चला कि ये एक होटल है और एक थोड़ा आगे है। ये खाना मुसाफिर ताजमियान, चार नफर नीड देयर रूम उर्दू मालूम? उर्दू इंग्लिश फारसी कैसे समझाएं आपको यार? उनको या ना फारसी आती है, फारसी के अलावा कोई लैंग्वेज नहीं आती, और हम लोग ना बड़े मुश्किल से एक्सप्लेन कर रहे हैं, मतलब वो बता नहीं पा रहे जो हम बताना चाह रहे हैं, और ना ही हमें ना यार डील करना आ रही है। फोर पीपल फोर नाइट हेयर फोर नाइट, एक दो तीन चार, चार डेज हेयर तो यक नफर एक नफर चार नफर तकसीम
کلکولیتر نمیدونم تقسیم کیوشه 300 ولی خب من میگم کلا باید 400 بشه نو مگر چون कहता है कि ना यहाँ पे ना जो इंचार्ज होते हैं ना मैनेजर वो यहाँ से गए हुए हैं तो उन्होंने ना हमें कहा हुआ है कि आप इससे कम कमरा नहीं देना तो इस वजह से मैं मजबूर हूँ टिकट चार नफर ओके अमानत 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 ओके चाबी गिव मी अ की इट मा ब्लॉक फुल बाद बाद सो 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 अब मैं मुखम जी याददाश्त करना मेरा हूं दो पूरे दिन कौन सा कमरा है वो दिखाएगा ये यार बहुत मुश्किल है अब चौक कर ये कमरा है जी यहाँ पे दो बंदों के लिए मेरे ख्याल से ये मैट्रेस अलग अलग करने पड़ेंगे और यहाँ पे एडजस्ट करना पड़ेगा ये भाई ने पहले कमरा देखा नहीं मैं कहता रहूँ पहले हमें देख लेना चाहिए नहीं 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 यहाँ पे ठीक होते हैं ठीक होते हैं तो ये पूछते हैं मज़ीद लाइट लाइट नॉट वर्किंग Good, good. But कितनी बार लानी पड़ेगी ऐसा भाई सिस्टम लगाने का फायदा है क्या जो यहाँ पे काम ना करे सीधे से आप यहाँ पे बटन लगा दो कोई बंदा आए और बटन दबाए और लाइट ऑन अब पंगे को पड़े हुए हैं ये अमेजिंग यार की को यहाँ पे लगाइए आपकी लाइट ऑन की को यहाँ से उठाइए आपकी कमरे की सारी लाइट्स बंद ओ यार दैट्स ग्रेट यार फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ मैं ओ यार ऑफ यार यस कैमरे लगे हुए नहीं शांत रहो ना यार मेरे साथ हो मैं आपके साथ हूँ मैं कमरे का थोड़ा व्यू दे लूँ यार ये हमारा एक अलग रूम है हमें यहाँ पे साथ में किचन दिया गया है और जहाँ पे ये कुछ बर्तन भी हैं साथ में ये कुकिंग ऑयल है साल्ट है बाद में चेक करेंगे ये क्या चीज़ें हैं और इसके नीचे चूल्हा लगा हुआ है चूल्हे का जो धुआं बनता है वो यहाँ से ऊपर और ये फ्रिज है ये देखिए छोटा सा एक फ्रीज़र है इसके अलावा कुछ भी नहीं है आई थिंक ये डस्टबिन है ये कुछ हमें बर्तन दिए गए वॉशरूम है वॉशरूम की कंडीशन भी देख लें गुड ना अभी हम ईरान में हैं और यहाँ पे मार्केट में निकले हैं आज हमने ना सब्जी बनानी है खुद कुकिंग करनी है उसके लिए यहाँ पे सब्जी परचेज करनी है कुछ कुकिंग ऑयल और ये सारी चीज़ें आज हमारा यहाँ पे फर्स्ट डे है तो देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है ज़बान वगैरह तो इनकी आती नहीं है तो कोशिश करेंगे यहाँ पे उनको समझाने की ये देखिए ये ओल्ड बाज़ार है यहाँ पे हमने कमरा लिया हुआ है ये देखिए ब्यूटीफुल और ये काफ़ी बड़ी मार्केट है इसमें हर तरह की ना क्या हुआ है तो अभी हमने ना यार सोचा है कि आज ना गाजर और साथ में आलू बनाते हैं सब्जी उसके लिए तो ये कैरेट्स हैं यहाँ पे ना खुद यहाँ पे शॉपर निकालना होता है और खुद सब्जी अपनी जो आपको चाहिए वो यहाँ से उठाना होती है अब ये गाजर है हमें चाहिए आधा किलो काफ़ी है ना आधा किलो गाजर तो यहाँ पे आलू यार ये अच्छी बात है कि ईरान में ना आप अपनी मर्जी की सब्ज़ी उठाइए वैसे नहीं होता हमारी रेडियो में दो चार आलू अच्छे दे दिए बाकी के गंदे जो है ना तोल के आपके हाथ में पकड़ा दिए यहाँ पे ये सीन नहीं है और इसके अलावा हमें क्या चाहिए भला अदरक
यहाँ पे ना हमें मसाला नहीं मिल रहा, मसाला होता है ना साथ में, और लहसुन, लहसुन, यस यस, लहसुन और कितना बोलिए, टू पीसीस एंड अदरक, ओके ओके ओके, इनफ, गार्लिक, नो 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 नो, ओके, हाउ मच, 60,000 इन 7,000 ओके, अगला रिस्क आप उस पे छोड़ दो, ओके, यहाँ पे सब्जी बहुत महंगी है यार। यार अभी ना ये हमारा पहला एक्सपीरियंस था, और ना मुझे लगता है कि उन्होंने ना ज़्यादा हमसे पैसे लिए हैं, 60,000 उन्होंने तो मान लिए हैं, जो कि बनते हैं तकरीबन पाकिस्तानी 400 रुपये, तो 400 नहीं, सॉरी 450 रुपये, तो 450 रुपये ना ज़्यादा हैं मेरे ख्याल से इस सब्ज़ी के।